मांगो तुम पे ये है, रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुम पे ये है, निसी दिन दर्शन साधु को, निस दिन दर्शन साधु को प्रभु कबीर कहूं दे। इसी के साथ कुछ दूसरी पंक्तियां भी हैं। ए अगन बिरहों दी जारी, एह अगन बिरहों दी जारी, कोई हमरी तपत निवारी, कोई हमरी तपन निवारी, बिन दर्शन कैसे तरिए हुण की करिए, बिन दर्शन कैसे तरिए हुण की करिए। दोनों ही उदाहरणों में दर्शन शब्द आया है। कबीर बुल्ले शाह दोनों ने एक साझे शब्द का प्रयोग किया है, किसका? दर्शन का। तो सवाल ये है कि ये दर्शन क्या है, पता कैसे चले कि दर्शन हो रहा है। दृष्टि, दृष्टि, दर्शन माने देखना। देखने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि। कौन है साधु? साधु वो जिसके सामीप्य में दिखाई देने लग जाए। साधु का दर्शन करते हो और साधुता दृष्टि बन जाती है। साधु कौन? जिसके जब करीब हो तो दिखाई देने लग जाए। साधु कौन? जिसके जब करीब हो तो आंखों में दर्शन की सामर्थ्य आ जाए। ये मत कहना कि साधु का दर्शन किया, इसको ऐसे कहना, बात को पकड़ो ध्यान से, जिसके समीप दर्शन कर सको वो साधु है। साधु का दर्शन नहीं होता। इसका प्रमाण ये है कि अगर साधु का दर्शन होता होता तो साधुओं का दर्शन सबको हो जाता, पर साधु आते हैं और चले जाते हैं और क्या दिखाई देते हैं किसी को? क्या उनका दर्शन हो पाता है? हमारे बीच से कितने साधु संत चले गए, हमारे बीच से कितने बुद्ध कृष्ण महावीर चले गए, हमें दिखाई दिए क्या? तो साधु का दर्शन नहीं, जिसकी समीपता में तुम दर्शन के काबिल हो जाओ वो साधु है। यही साधु की परिभाषा है। जिसके पास रहने से अचानक से दिखाई देना शुरू हो जाए, अचानक बोध जागृत हो जाए, वही साधु है। आप समझ में आ रही? और वो व्यक्ति हो जरूरी नहीं, वो एक माहौल हो सकता है, वो कोई ग्रंथ हो सकता है, वो तुम्हारी अपनी आत्मा का बाहर फैलता प्रकाश हो सकता है। क्योंकि दृष्टि के पीछे ताकत तो आत्मा की ही है, वही है जो दृष्टि को दृश्य दिखाती है। अरे बात समझ में? कैसे जानो, सवाल पूछा, कैसे जाने कि कोई साधु है, कैसे जाने कि दर्शन हो रहा है? अरे बात सीधी है,
जब देख पाओ तब दर्शन। बात इतनी सीधी है, पूछ क्या रहे हो इसमें? जब आंखें बंद तब कोई दर्शन नहीं। जब आंखें बंद तब घर्षण, जब आंखें खुली तब दर्शन। पर मामला इतना सीधा है कि तुम उसको समझोगे नहीं। आंखें बंद जब होती हैं तो क्या होता है? इधर गिरते उधर गिरते, उसी का नाम तो घर्षण है, घिसे जा रहे हो। और जब आंखें खुली रहती हैं तो दर्शन होता है। हाँ, सहजता से चलते हो तब खेलते हो पृथ्वी पर। जिस माहौल में आंखें खुल जाएं, सब कुछ हल्का साधारण शून्यवत सहज लगे, वही साधु है। और कैसे जानोगे साधु को? कोई विशेष चिन्ह तो होता नहीं। तुमने जिन दो लोगों को यहां पे उद्धृत किया है, कबीर को और बुल्ले शाह को, देखो यही दोनों कितने अलग अलग थे। कबीर को कभी नाचते नहीं देखा गया, बुल्ले शाह खूब नाचते थे। कबीर की काया अति साधारण थी, बुल्ले शाह का शरीर, व्यक्तित्व, वाणी बड़ी ओजस्वी थी। कबीर ने पूरा जीवन या तो अपने घर में या बस यात्रा करते हुए बिताया। बुल्ले शाह ने खूब संघर्ष किए, तलवार भी उठाई। तो कैसे कहोगे कि ये साधु है और साधु के ये सारे लक्षण और चिन्ह होते हैं? कोई विशेष चिन्ह तो होते नहीं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। बाहर उसके प्रमाण मत खोजना कि ऐसा कपड़ा पहने तो साधु। उसका प्रमाण भीतर खोजना। क्या है उसका प्रमाण? उसका प्रमाण है दृष्टि। साधु का दर्शन तब मानो जब तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाए। दोहरा रहा हूं, जिसके सामीप्य में तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाए वही साधु है। तो साधु का दर्शन नहीं कहेंगे, कहेंगे जिसके पास रहने से दर्शन होने शुरू हो जाते हैं वो साधु है। जिसके पास रहने से परमात्मा के दर्शन शुरू हो गए वो महात्मा है। यही परिभाषा है और क्या, वरना कैसे इंगित करोगे? आ रही बात समझ में? अब कैसे जाने कि दृष्टि साफ है, साफ दिखाई दे रहा है? साफ दिखाई देना कुछ दिखाई देना नहीं है। हमें तो यूं ही बहुत ज्यादा दिखाई देता रहता है, हमें तो बहुत ज्यादा दिखाई देता रहता है। विक्षेप और किसको कहते हैं? हम समझना चाह रहे हैं दृष्टि क्या है। विक्षेप किसे कहते हैं? जो नहीं भी है वो दिखाई दे रहा है। मृत्यु नहीं है पर 100 तरह के और खतरे और भय नहीं है पर दिखाई दे रहे हैं। यही तो विक्षेप है। और क्या है विक्षेप? दृष्टि निर्मल होने का यह अर्थ नहीं होता कि कुछ खास दिखाई देने लग गया। दृष्टि निर्मल होने का यह अर्थ होता है कि जो दिखाई देता था वो दिखाई देना बंद हो गया। हमें बहुत दिखाई देता है। उदाहरण दीजिए, हमें क्या क्या दिखाई देता है? हमें भविष्य दिखाई देता है। कमाल करते हैं हम। दृष्टि निर्मल होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम त्रिकालदर्शी हो गए, तुम कुछ खास देखने लग गए। दृष्टि निर्मल होने का अर्थ होता है कि वो जो आम आदमी को भी दिखता है तुम्हें अब वो दिखता नहीं, तुम्हें दिखता ही नहीं। उन्हें खतरे ही खतरे नजर आ रहे हैं। बेटा तेरा क्या होगा, मुझे तेरी बड़ी चिंता है। उन्हें सांप बिच्छू अजगर दिखाई दे रहे हैं तुम्हारी ओर आते हुए, और तुम कह रहे हो है कहां, हमें तो दिखाती नहीं देते,
हमें दिखते नहीं, आपको हमारी बड़ी चिंता है कि हमारा क्या होगा, है कहां खतरा? हरी बात समझ में, हमें खूब संसार दिखाई देता है, चीजें ही चीजें। स्वस्थ आदमी वो है जिसे कम दिखाई दे। दृष्टि का अर्थ है कि अब दिखाई ही नहीं देता, पहले दिखता था। सुनिए ना बुद्ध की वो कहानी कि लोग पूछ रहे हैं कि यहां से एक लड़की भागी तुम्हारे सामने से, बुद्ध ने क्या कहा? दिखनी बंद हो गई, बहुत दिन हुए जब से दिखना ही बंद हो गया है कि लड़का है कि लड़की है, पहले दिखता था अब दिखता नहीं। निर्मल दृष्टि का अर्थ यही, अब नहीं दिखता। साधु कौन? साधु वो जिसकी संगति में संसार दिखना बंद हो जाए, इसी का नाम दृष्टि है। कुछ विशेष दिखता नहीं है, जो दिख ही रहा था, जो मन पे हावी था, जो रह रह करके विचार उमड़ घुमड़ रहे थे, वो उमड़ने घुमड़ने बंद हो गए, दिखाई ही नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है जैसे अरे सपने में थे, इतनी सारी बातें थी, सपना गायब, छट गया। ये साधुता है, यही दर्शन है, यही दृष्टि। दृष्टि का अर्थ नहीं है कि तुमने बादलों को चीर करके सूर्य देख लिया, दृष्टि का अर्थ है बादल है ही नहीं, कहां है बादल, मात्र खुला आकाश है और कुछ है नहीं। बता रही समझो, इसीलिए साधुता या निर्मलता या दृष्टि विशेष होने का नाम नहीं है, वो और ज्यादा सहज सामान्य हो जाने का नाम है। उसका अर्थ है कि तुम पीछे आ गए, तुम केंद्र की तरफ आ गए, पीछे घर की तरफ आ गए। जो पूरी यहां व्यवस्था थी स्वरचित, वो टूटी, कुछ नया नहीं आ गया है। साधु उसको मत मानना जिसके पास कुछ विशेष है, साधु वो है जिसके पास वो भी नहीं है जो तुम्हारे पास है, समझो बात को। और यही बात फिर उसकी बाहरी व्यवस्था में भी दिखाई देती है, भीतर से भी वो खाली है, उसके पास वो सब कुछ नहीं जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या है भीतर? तुम्हारे खौफ हैं, तुम्हारे संबंध हैं, तुम्हारे मोह हैं, आकर्षण हैं, आसक्तियां हैं, वो भीतर से खाली है इन सबसे। और चूंकि वो भीतर से इन सबसे खाली है, इसीलिए वो बाहर भी उस सबसे खाली हो जाता है जो तुम्हारे पास है। क्या है तुम्हारे पास? इधर उधर की चीजें, झाड़ू पोछा, नमक, आटा, दाल, चावल, मकान, बीवी, गाड़ी, बंगला, सब बाहर से भी इन सबसे खाली। साधुता, निर्मलता, दृष्टि, तीनों एक ही ओर को इशारे हैं। किसकी ओर को? ना होने की ओर को, नहीं है। देखिए जब हम माया की शक्तियां गिनते हैं तो हम कहते हैं विक्षेप और आवरण। विक्षेप का मतलब होता है संसार का प्रकट होना, और आवरण किस पे पड़ा है ये मत सोचना कि आवरण के पीछे कोई बड़ा सुंदर नैनाभिराम दृश्य होगा, हा हा हा, जैसे मंदिरों में होता है कि जब कपाट खुलते हैं तो पीछे से सुंदर मूर्तियां अवतरित हो रही हैं, आप कहते हो वाह आवरण। तो ये भी आप सोचें कि सत्य के ऊपर भी ऐसे ही आवरण पड़ा है और पीछे से कुछ। सत्य के ऊपर का आवरण हटने का मतलब बस वही है जो कि आकाश के ऊपर से बादलों के हटने का। बादल हटते हैं, आवरण है बादल, बादल हटते हैं तो पीछे क्या कुछ दिखाई देता है? यह खालीपन है बस, निरभ्रता, शून्यता। तो आवरण का मतलब इतना ही है, बल्कि यह कहिए कि आवरण ही विक्षेप है, दोनों अलग अलग नहीं है। बात समझ में आ रही है? आवरण ही विक्षेप है, और आवरण जब हटेगा तो कुछ खास दिखाई नहीं देगा। जो दिखाई दे रहा था वो दिखाई देना कोई उम्मीद में न जिए
कि प्रभु की सुंदर अलौकिक छवि एक दिन दिखाई देगी। छवियां तो तुम्हें अभी खूब दिख रही हैं, लौकिक परालौकिक सब दिखती हैं, खूब अभी छवियां दिख रही हैं। सत्य का मतलब यह नहीं है कि इनसे ज्यादा सुंदर कोई और छवि कभी उतरेगी। सत्य का यह मतलब नहीं है कि अभी तुम एक घृणास्पद संसार में जी रहे हो और इससे कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा लोभित कर देने वाला कोई संसार कभी तुम्हें मिलेगा ना। सत्य का मतलब यह है कि जिसमें जी रहे हो यह भी नहीं रहेगा, एक खालीपन है। आप कहेंगे उस खालीपन की क्या कीमत है? उस खालीपन की वही कीमत है जो शरीर के बीमारी से खाली होने की है। कोई कीमत है उसकी? नहीं जी साहब, उसकी क्या कीमत है? स्वास्थ्य 2% की चीज। बात समझ में आ रही है? बात थोड़ी उल्टी है। दर्शन का मतलब क्या है फिर पूछ रहा हूं। दर्शन का मतलब है जो दिखाई दे रहा है उसका दिखाई देना बंद हो जाना। स्थूल का दिखाई देना बंद, वही तो दिखता है। सूक्ष्म आना और सूक्ष्म का पता लगना, और सूक्ष्म कुछ है नहीं, सूक्ष्म कुछ है नहीं, तो एक खालीपन है, हल्कापन है। क्या तुम ये कहोगे कि पहले मैं बोझा उठाता था, अब मैं हल्कापन उठाता हूं? बोझा है तभी तक तो उठाया जा रहा है ना, हल्कापन है तो उठाने के लिए कुछ बचा कहां? हल्कापन है तो उठाने के लिए कुछ बचा कहां? ये बात ध्यान से समझ लो। साधु के दर्शन का अर्थ है चित्त शांत होकर के बैठ गया, बस और कुछ नहीं। इसीलिए जो बुद्ध का नाम भी है बोध के लिए, वो बड़ा व्यवहारिक नाम है, निर्वाण। खूब लगी हुई थी आग, खूब लगी हुई थी आग, आग बुझ गई, अब जल नहीं रहे हैं, जल नहीं रहे हैं। हम यहां बैठे हैं, कोई अचानक पागलों की तरह उछलने लगे, यहां भूत घूम रहे हैं, यहां राक्षस घूम रहे हैं, देखिए ना उसको कितना दिखाई दे रहा है, कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है उसको। क्या होगा निर्वाण उसके लिए? ये ना दिखना। और ये प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा ईमानदारी से अपने आप से, भला ना होता कि जो दिखा वो ना दिखता? क्या क्या तो दिख गया, जहां प्रेम नहीं था वहां क्या दिख गया? वहां प्रेम दिख गया। जहां प्रेम नहीं था वहां क्या दिख गया? भला ना होता कि ना दिखता, था कहां पर देख डाला, वापस आके बोल देख ही आए। यही तो विक्षिप्तता है, जो है नहीं वो दिख रहा है और दिख ही नहीं रहा, उसमें प्रबल विश्वास है, ताकत और यकीन है। अरे आई लव यू, बड़ी जोर देके कह रहे हैं आई लव यू, है कहां? साधु कौन? जिसकी संगति में फैंटेसीज गायब हो जाएं। फैंटेसी समझते हो? फैंटेसी क्या? वही जैसे फैंटास्टिक निकलता है। पर आपका भरोसा नहीं, आप ये भी कह सकते हैं बड़ा फैंटास्टिक साधु है।
गजब हो गया। और ये आदमी के मन की बीमारी का परिचायक है कि हमें जो अच्छा लगता है उसे क्या बोलते हैं, फैंटास्टिक। और फैंटास्टिक का अर्थ ही है जो है नहीं, बस दिखता है, और आप बोलते हैं फैंटास्टिक। एक मामले में बिल्कुल सही बोलते हैं। कोई आए आपके सामने खूब सज बज के, तो देखिए और कहिए फैंटास्टिक। है तो तू नहीं पर दिखती खूब है। जो मन में आए वैसा कह लीजिए, कह लीजिए जमादार है साधु, जो आपके संपर्क में आता है तो कचरा साफ कर देता है, गलत नहीं कहेंगे, वो यही कर ही रहा है, यही कर रहा है। और आप चाहें तो कह लें कि प्रकाश पुंज है साधु, जो आपके संपर्क में आता है तो आपकी अंधेरी वासनाएं साफ कर देता है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, आपको कुछ देता नहीं है, जो आपने इकट्ठा ही कर रखा है, जो आपने भर ही रखा है, उसको हटा देता है। बात समझ रहे हैं बात को? फिर दोहराएंगे आखिरी बार, कब मानिए कि दर्शन हुए? जब जो आम तौर पे दिखता ही है वो दिखना बंद हो जाए। खूब दिख रहा था और जो दिख रहा था मन उसमें खूब खोया हुआ था, दिखना बंद हो गया, ऐसा लगा जैसे कुछ क्षणों के लिए संसार ठहर गया है। अरे कहां गया? कुछ क्षणों के लिए पहिया घूमना थम गया और कुछ क्षणों के लिए अगर वो घूमना थम जाए तो ये प्रमाण है ना इस बात का कि उसके बिना भी जी सकते हो। दो पल भी जी लिए तो जीवन भर जी सकते हो। और जिसका प्रतीत होना दो क्षण को भी रुक जाए, क्या वो असली हो सकता है? क्या उसमें नित्यता हो सकती है? नित्य तो वही जिसका होना कभी रुके ना, और जो तुम्हें लगातार दिखता ही रहता है, जो तुम्हारे मन में लगातार घूमता ही रहता है, यदि ध्यान के क्षण में वो विलीन हो जाता है तो इससे यही सिद्ध होता है ना कि तुम्हारे मन में जो कुछ घूमता रहता है दो कौड़ी का है। साधु वही है जिसके संपर्क में आने पर तुम्हें तुम्हारी दुनिया दो कौड़ी की दिख जाए, भले ही दो पल को। दो पल के बाद तुम्हें पूरी छूट है, तुम वापस जा सकते हो, और तुम करते भी यही हो महाराज। अब आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते। लेकिन वो जो दो पल हैं, अगर तुम्हारा समय आ गया है और अगर तुम में जरा भी संकल्प है, वो दो पल तुम्हें साबित कर देंगे कि सत्य ही है और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, और तुम सिर्फ भ्रमों की दुनिया में जी रहे हो। अगर जरा तुम में ईमानदारी है, और उस ईमानदारी कोई विकल्प नहीं, साधु तुम्हें दर्शन दे सकता है, पर दृष्टि तुम्हें रखनी है या नहीं रखनी है, यह छूट तो तुम्हें तब भी है। बात समझ रहे हो ना? ये ताकत, ये छूट, ये मुक्तता तुमसे कभी नहीं छीनी जा सकती। तुम सहमति न दो अपनी, तो खुद परमात्मा भी तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता।
ये तुम्हारे होने का अविभाज्य हिस्सा है। इसीलिए गुरु भी जब ये देखता है कि अभी शिष्य किसी भी तरीके से सहमति देने के मन में नहीं है, तो फिर वो एक सीमा के पार कोशिश नहीं करता। वो कहता है अभी अभी नहीं, अभी मैं क्या, अभी तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के बिना तो तुम्हें कुछ दिया नहीं जा सकता। तुम्हारी इच्छा अहंकार की ही इच्छा है। बड़ी मजेदार बात है ये, पर तुम तो अपने आप को अहंकार ही जानते हो ना। तुम्हारी स्वीकृति, तुम्हारी रजा के बिना तुम्हें कुछ दिया नहीं जा सकता। यही कारण है कि कबीर गा रहे हैं साधु को, तुम तो नहीं गाते। कबीर बता देते हैं कि तुम क्या करते हो जब साधु सामने आता है। माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, साधु दरस को जब चले ये अटकावे आनी। अभी अजीब बात है, कबीर साधु के गुण गा रहे हैं और उन्होंने सात ताकतें बता दी हैं जो तुमको साधु से मिलने नहीं देंगी किसी भी हालत में। माता, पिता, बेटा, बीवी, आलस, दोस्त यार और तुम्हारी आनाकानी टाल मटोल की आदत। साधु दरस को जब चलें ये अटकावे आनी। तुम साधु दरस को चलोगे ये आके रास्ते में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तुम साधु से मिले नहीं कि इन सातों के स्वार्थ टूटते हैं, इनके स्वार्थ टूटेंगे। साधु दुश्मन नहीं है, न माता का, पिता का, ना सुत का, ना स्त्री का, न बंधु का, साधु दुश्मन नहीं है। लेकिन बात बहुत सीधी है कि साधु कौन, जिसके पास जाते ही दृष्टि निर्मल हो जाए। दृष्टि निर्मल हो गई, साफ हो गई, तो तुम्हें कचरा दिखना बंद हो जाएगा, कचरे से तुम्हारी आसक्ति छूट जाएगी। और यदि संबंधों में कचरा ही कचरा भरा हो तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि तुम्हें साधु की ओर जाने से रोका जाए, तुम्हें हर उस मौके से रोका जाए और हर उस जगह से बचा जाए जहां पर सत्य उजागर होता हो, वहां से भागा जाए, और हर उस जगह पनाह ली जाए जहां पर भ्रम है, झूठ है, माया जाल है, वहां पनाह ली जाए। बात आ रही समझ में? जैसे एक हम बाजार को देखते हैं, उस बाजार में मान लीजिए दिवाली की शॉपिंग चल रही है, उसमें लोग खरीद रहे हैं, खूब ब्राइट है और सब कुछ है। स्थूल उसमें देखेंगे तो शॉपिंग चल रही है, बहुत ब्राइटनेस है, लोगों के चेहरे पे स्माइल है, खुश है और वो सब है। अगर उसमें हमें ये दिखाई देता है कि एक दूसरे को वो तलवारों से मार रहे हैं, हमें ये दिखाई देता है कि वो भीख मांग रहे हैं एक दूसरे से, हमें दिखाई देता है कि रो रहे हैं, तो सूक्ष्म तो नहीं हुआ पर वो फिर स्थूल भी नहीं है। नहीं, स्थूल क्यों नहीं है? जब तुम किसी को चांटा मारते हो तो देखो तुम क्या कर रहे हो और सामने वाले व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। तुमने चांटा कहां मारा? उसके मुंह पे मारा, देह समझ के ही मारा। और तुमने चांटा मारा तो उसे खूब चोट लगी, भनभना गया, बदला लेने को उतारू हो गया। क्यों? मेरे मुंह पर, मेरी देह पर घात किया। तो लोग जब एक दूसरे को तलवारों से भी काट रहे हैं तो पूरी तरह स्थूल घटना ही तो है। नहीं, शॉपिंग कर रहे हैं उसमें आपको ये ठीक, मैं समझ गया, एक तल नीचे आ गए। तुम यही कह रहे हो कि
बाजार की जो पूरी व्यवस्था है उसमें एक हिंसा है वो तुम्हें दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। वो फिजिकली विजिबल तो नहीं है, फिजिकली विजिबल मगर वो ऑब्वियस है, सूक्ष्म नहीं है। वो सूक्ष्म है, या ये कह लो कि कम से कम जब कपड़ा खरीदा जा रहा है उससे ज्यादा ये सूक्ष्मतर बात है कि तुम्हें दिखाई दे कि इसमें हिंसा है। वो हिंसा तलवार की काट और लहू की धार में नहीं है, वो हिंसा मानसिक है। बाजार की जो पूरी व्यवस्था है उसमें हिंसा निहित है, वो हिंसा आंखों से नहीं दिखाई पड़ रही है, पर वो हिंसा अगर जरा सा समझोगे तो दिखाई पड़ जाएगी। उसमें खून नहीं बह रहा है, उसमें किसी की गर्दन नहीं कट रही है, पर उसमें हिंसा खूब है, गहराई से है। ठीक है, वो बात ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा एक तल और केंद्र के पास आ गए हो, जिसको ये दिखने लग जाए ये उसके लिए शुभ है। देखिए, तथ्य तो इतना ही होगा कि कपड़ा लिया गया और कपड़ा दिया गया, ये तथ्य से एक कदम आगे है, एक कदम आगे है। सर, निर्मल का मतलब फिर ये है कि ये भी ना दिखे? नहीं, निर्मल होने का अर्थ है कि जो कपड़े लत्ते बाजार सबको दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हें दिखाई दे ही नहीं रहे, वो तुम्हें दिखाई दे ही नहीं रहे, हमें दिखते ही नहीं। देखो, अनासक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि हम बड़े जाबाज हैं और हम पे जितने आकर्षण आते हैं, हम पर जितने डोरे डाले जाते हैं, हम उनको काट देते हैं तलवार से, हम बड़े योद्धा हैं। अनासक्ति का ये नहीं अर्थ होता। अनासक्ति का अर्थ ये होता है कि हम पर डोरे डाले ही नहीं जाते। अनासक्ति का अर्थ होता है कि जो खौफनाक सपने तुम्हें सताते थे, हमें वो सपने आते ही नहीं। अनासक्ति का ये अर्थ नहीं है कि हमें आते हैं खौफनाक सपने पर हमारे पास एक लड़ाका है उन सपनों को भगा देता है, ना, हमारे पास आते ही नहीं, हमारे पास आते ही नहीं, हमारे पास वो बीमारी ही नहीं है जो सपनों को आकर्षित करे। एक चीज तो ये है कि आप शरीर पे खूब गुड़ लपेट के फिर रहे हैं, चाशनी, शहद, शक्कर, और आपने 5-7 तरीके की विधियां अपना रखी हैं मक्खियों को दूर रखने की। क्या विधियां हैं आपके पास? आपने 5-7 ऑल आउट वगैरह फिट कर रखे हैं, 1-2 लोग लगा रखे हैं और लगातार पंखा चला रहे हैं, गुड़ और चाशनी तो आपने लपेट ही रखा है, उसके ऊपर एक परत आपने मॉस्किटो रिपेलेंट की और फ्लाई रिपेलेंट की और इंसेक्ट रिपेलेंट की, ये सब भी लगा रखी है। जैसे माइंड कंट्रोल है वैसे ही आपने पेस्ट कंट्रोल लगा रखा है। ठीक है, शरीर पे चाशनी खूब पुती हुई है लेकिन उसके साथ ही साथ ओडोमॉस भी पुता हुआ है। और दूसरा क्या है कि शरीर ही निर्मल है, हमें मक्खियां भगानी नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास मक्खियां आती ही नहीं। हाँ, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती है कि मन नियंत्रण में रहे, कि मन का निग्रह करें, क्योंकि हमारा मन भागता ही नहीं, तो कोशिश क्यों करनी है, तुम करो कोशिश। बात आ रही समझ में? दृष्टि को इसके समकक्ष मानो। दिखने का अर्थ होता है कि जो दिखेगा उससे आसक्त भी रहोगे, जो ही दिखेगा। अभी हमने बात करी थी जो तुम होते हो वही तुम्हें दिखता है, तो कपड़ा दिखेगा तो तुम्हें कपड़े से आसक्ति उठेगी, और तुम्हें परमात्मा दिखेगा तो प्रेम में जियोगे। अभी तो बड़ा मुश्किल है, तुम शॉपिंग मॉल में हो और चारों तरफ परमात्मा दिखे, कैसे करोगे? तो शॉपिंग मॉल में तो चारों तरफ वही चीजें दिखती हैं जिनसे आसक्ति हो। पदार्थ हो, पदार्थ ही देखते हो,
बात आ रही है ना? संसार ही बदल जाता है, संसार ही बदल जाता है। एक जगह पे नानक ने कहा कि तुम कितनी कोशिश कर लो कभी नहीं जान पाओगे कि योगी के फकीर के मन में क्या चलता है। कितनी भी कोशिश कर लो कभी जान नहीं पाओगे, वो संसार ही दूसरा है। अगर तुमको उसको एक ही वस्तु दिख रही होती तो बात भी की जा सकती थी, तुम पूछते वो क्या है और वो बताता कि देखो मुझे तो ऐसा दिखता है, और तुम कहते नहीं नहीं मुझे ऐसा दिखता है, फिर कुछ वाद तर्क हो सकता था। जो उसको दिखता है वो तुम्हें दिखता ही नहीं, जो तुम्हें दिखता है वो उसको दिखता ही नहीं। उसको लगातार आकाश दिखाई देता है, तुम कहते हो आकाश क्या? उसको सब खाली साफ स्वच्छ निर्मल है, शून्य है, तुम कहते हो शून्य कहां कैसा? और तुम्हें चारों तरफ क्या दिखाई देता है? पदार्थ वस्तुएं। कहेगा है कहां, हमें तो नहीं दिखते, हमें दिखते ही नहीं। हमें नहीं दिखते, जो दिखेगा वो अपना असर भी करेगा, वो आकर्षित भी करेगा। मक्खी को क्या दिखाई देगा इस कमरे में? गंदगी। और दिखेगी गंदगी तो अपना असर करेगी, क्या असर करेगी? खींचेगी, आसक्त करेगी। उसको वो दिख ही इसीलिए रही है क्योंकि उसे आसक्त होना है, अन्यथा नहीं दिखाई देती। बात समझ रहे हो? तुम्हें क्या दिखाई देता है वही तो तुम हो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है वही तो तुम हो। यदि तुम पेट हो तो इस कमरे में तुम्हारे लिए सिर्फ भोजन है, यदि तुम आत्मा हो तो इस समय इस कमरे में मात्र आत्मा का प्रकाश है। बता रही है समझ में? दिखना ही बदल जाता है, संसार ही बदल जाता है। कोई तुमसे पूछे क्या है, तुम्हारा उत्तर ही बदल जाएगा क्या है। तुम ये नहीं कहोगे कि मेरा इंटरप्रिटेशन बदल गया, विवरण नहीं बदले हैं, विश्लेषण नहीं बदले हैं, जो है वही बदल गया है। कुछ दिखता था और कुछ और दिखता है, उसके नए अर्थ नहीं करे हैं। वस्तु ही बदल गई है, वस्तु ही बदल गई है। और ये जो बदलना है ये क्रमशः हल्का होना है। बिल्कुल ठीक कहा था अभी शेख ने। पहले तुम्हें दिखाई देती थी दुकानदारी, पहले तुम कहते थे हम कर रहे हैं खरीददारी, मोटी बात थी। उससे थोड़ी सूक्ष्म बात हुई कि हिंसा दिखी, फिर और सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म, सब हल्का जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। अंततः पूछेगा कोई कि क्या दिख रहा है तुमको? क्या कुछ है ही नहीं, क्या दिखेगा? क्योंकि जो दिखेगा वही महत्वपूर्ण हो जाएगा, हमें नहीं दिखता कुछ। यह भी कहना कि बाजार हिंसा का अड्डा है बाजार को एक तरीके से महत्वपूर्ण बनाता है। जब तुम्हारे लिए बाजार खुशी का केंद्र है तो बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दावा है कि बाजार तुम्हें क्या दे देगा? खुशी, खुशियां दे देगा। जब तुम्हारा दावा यह है कि बाजार हिंसा का अड्डा है तब भी बाजार तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? बहुत दुख देगा, दुख देता है। बात बढ़ रही है, बात आगे बढ़ रही है। द्वैत का एक सिरा पहले दिखाई देता था, अब वो सिरा तो दिखता ही है, दूसरा भी दिख रहा है। यात्रा शुरू हुई है, बात शुभ है, लेकिन ये भी छटेगा, फिर हिंसा भी नहीं दिखाई देगी। क्योंकि हिंसा भी दिखाई दे रही है तो मन पे कुछ तो छाया हुआ है ना, मन हल्का नहीं है, खाली नहीं है। एक आदमी है जिसको बाजार आकर्षित कर रहा है,
तो उसके मन में क्या छाया हुआ है? लालच। मन खाली तो नहीं है ना उसका बाजार में घूमते समय। और दूसरा आदमी है जो जब बाजार में है तो उसे हिंसा ही हिंसा दिख रही है, तो उसके मन में क्या छाया हुआ है? एक तरीके की घृणा, जुगुप्सा, वीतराग। मन खाली तो नहीं है ना उसका, दोनों चल रहे हैं अगल बगल। एक के मन में क्या चल रहा है? लोभ, आकर्षण, और दूसरे के मन में क्या चल रही है? घृणा, बैराग। ख्याल तो घूम ही रहा है ना मन में, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, पर ये सब है, ये सब अभी है और महत्वपूर्ण है, मैं सोच रहा हूं इसके बारे में। एकदम गैर महत्वपूर्ण होता तो मैं सोचता ही क्यों। दिखना बदले, और जब दिखना बिल्कुल बंद हो जाए तो समझिए पूर्ण दर्शन हो गया, उस दिन परमात्मा आपको दिखाई दे रहा है, पूर्ण दर्शन हो गया। अब नहीं, अब ठीक है, वो वही है जिसको हमने कहा था, जब दृष्टि बदलती है, दिखना बदलता है, तो तुम मुझे यूं न बना पाओगे, रूप होंगे कुछ और, हमें दिखता कुछ और है, रूप होंगे हजार, हमें दिखता लेकिन कुछ और है। अब किसी तीसरे को समझ में नहीं आएगा कि आदमी है और कुत्ता है, यहां पर ये चल क्या रहा है, जो है वो बस आपको दिख रहा है, संसार ही बदल गया है। संसार ही बदल गया है। क्यों है अब आपकी ऐसी छवि? आप किसी तीसरे को समझा नहीं पाएंगे, संसार बदल गया है। आकाश में ऊंचे उड़ने वाला पक्षी जमीन में बसने वाले छोटे से कीड़े को कैसे समझाएगा कि उड़ान माने क्या, संसार बदल गया है। आ रही बात समझ में? पहले से बेहतर नहीं हो गया है, पहले से कमतर भी नहीं हो गया है, कुछ और ही हो गया है। मैनु कौन पछाणे, मैं कुछ गोगई होरनी। ये तो नहीं कहा ना कि पहले से ज्यादा सुंदर हो गई, कुछ और हो गई, अब पहचान में ही नहीं आती। वही हूं, पहचान में ही नहीं आती। ये है दृष्टि का निर्मल होना। संसार बदलेगा, तुम भी बदलोगे, साधु वही। जो विक्षिप्तता दूर कर दे, विक्षेप हटा दे, जो लगातार न होते हुए भी छाते छाया रहता है मन में, उसको दूर भगा दे। और कैसे दूर भगा दे? कुछ करके नहीं, मात्र अपनी मौजूदगी से। उसका होना काफी है, उसका होना प्रमाण है। उसका होना संक्रामक है। वो होता है बगल में और संक्रमण आपको भी लग जाता है। साधु छूत की बीमारी है, कह सकते हैं, गलत नहीं है, साधु राजी होगा, बिल्कुल ठीक कहा, मैं संक्रामक हूं। जैसे एक हम इस पे पहुंचे थे कि वहां पे हिंसा हो रही है और ये सब, फिर आपने कहा कि एक ऐसा भी हुआ जब उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, तो जैसे ये कहा ना, तो एक विजुलाइजेशन चालू हुआ कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा, आंखें बंद रहेंगी, काला काला हो जाएगा, या सेंस हट जाएगी कि है नम सा पड़ गया है,
इसके बाद एक बात ये हुई कि जब आप यहाँ पर हो तो वो डायमेंशन चेंज हो रहा है, बार बार डायमेंशन चेंज हो, उस प्लेन पे नहीं है, वो है ही बहुत सारे डायमेंशन। तो जब आप हो तो आप कितना भी विजुलाइज कर लो, कितना भी विजुलाइज कर लो, आपको वो बात या तो बहस की भरी लगेगी या फिर आप कहोगे कि आई कांट। पर अगर तुम इस तल पर भी सिर्फ कल्पना करना चाहते हो, कल्पना पूरी नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। इंद्रियां भीतर वही सब कुछ लेती हैं जो उनको लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर 100 इनपुट हैं जो तुम्हें इस वक्त मिल रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 2%, 1% है जो भीतर जाता है, बाकी इंद्रियों की पूरी ट्रेनिंग है कि उसको छोड़ ही दिया जाए, फिल्टर आउट, रिजेक्ट कर दिया जाए। जब मन बदलता है ना तो भीतर क्या जा रहा है वो बदलने लगता है। तुम पहले जिसको अंदर आने ही नहीं देते थे अब उसके लिए द्वार खुल जाते हैं, और पहले जो बेरोकटोक अंदर घुसता था अब उसके सामने प्रतिरोध होता है, तू अंदर नहीं जाएगा। बात समझ रहे हो? 100 घटनाएं हैं अभी यहां जो एक साथ घट रही हैं। तुम उन सभी 100 घटनाओं को रजिस्टर नहीं करते हो, तो उनमें से 2 को रजिस्टर करते हो। किन 2 को? जो तुम्हारी आंतरिक व्यवस्था से तालमेल खाती हैं, जो तुम्हारे पैटर्न में फिट होती हैं, तुम बस उन 2 को क्या करते हो, नोटिस कर लेते हो। जब आंतरिक व्यवस्था बदलती है तो संसार बदल जाता है। अब वो 2 दिखाई नहीं देंगी जो पहले तुम भीतर आने देते थे, और कुछ ऐसा नया दिखाई देगा। ये बात अभी तल के बदलने की नहीं, मैं उसी तल की बात कर रहा हूं, इसीलिए कहा कि यह सिर्फ एक उदाहरण है ताकि कल्पना कुछ दूर तक जा सके। कल्पना हम जानते हैं बहुत दूर जा ही नहीं सकती, पर फिर भी इससे हो सकता है समझने में मदद मिले। अब इस पे जैसे क्वेश्चन आ रहा है, मगर वो वही लग रहा है कि क्योंकि ये अजम्पशन है, क्योंकि एक वो है तो वो लिमिटेड है, इसका यूज नहीं है कि फिर जो एक साधु होता है, जो भी होता है, उसको वो भी दिख जाता है जो आपको दिख रहा है, और परे 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 परे। तो जैसे मुझे ABC दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको ABC दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, नहीं दिखाई दे रहा। देखो, दिखाई देना कभी आकस्मिक नहीं होता, दिखाई देना आकस्मिक होता ही नहीं। नजर पड़ने का नाम नहीं है देखना। देखना एक ऐसी क्रिया है जिसमें मन की रजामंदी चाहिए। मैं तुमसे कहूं अभिषेक, नीचे दौड़ करके जाओ, सामने वाली इमारत में कोई बेहोश होकर गिरा हुआ है, तुम दौड़ के जाओगे, यहां से लेकर के उस इमारत तक क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई देगा? आंखें बंद करके तो नहीं दौड़े, तो दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि मन की अभी रजामंदी नहीं है कुछ देखने की। देखना कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता है, तुम वही देखते हो जो देखने की मन की रजामंदी है। तुम भाग करके कहीं को जा रहे हो, तुम्हें रास्ते में कुछ भी हो दिखाई पड़ता है क्या? ईमानदारी से बताओ, तुमसे कहा जाए याद करो, खूब याद करो रास्ते में क्या था, तुम्हें दिखाई पड़ेगा? तो वास्तव में दिखाई देना बंद हो जाता है। ये मत कहो कि साधु को जो दिखता है वो तो दिखता ही, कुछ और भी दिखता है, उसको दिखता ही नहीं। दिखेगा तब ना जब वो महत्व देगा, वो महत्व ही नहीं देता, उसको नहीं दिखाई पड़ता। मेरी कैलकुलेशंस हैं, मेरी ग्रीड है, और तो उसको कैसे वो चीज दिखाई दे जाती है जो, मतलब जो मेरे को ही पता है इस चीज में कैलकुलेशन चल रही है, ग्रीड चल रही है, तो उसको कैसे पता लग जाता है? भारी हो, बस इतना, बस इतना, और कुछ भी नहीं। देखो, खुला आकाश हो, खुला आकाश, उसमें एक जरा सा बादल का टुकड़ा हो, तुम्हारी नजर कहां जाके रुकेगी? ऐसे दिख जाता है। और अगर आकाश खूब भरा ही हो, खूब भरा ही हो बादलों से, और उसमें एक जरा सा बादल का टुकड़ा हो, तुम्हारी नजर उस पतले बादल टुकड़े में आकर रुकेगी? साधु को ऐसे दिख जाता है। वो चूंकि खुले आकाश में जीता है इसीलिए उससे अन्यतर जो कुछ भी होगा वो उसको तुरंत दिख जाएगा। लेकिन एक बात और समझना है, बहुत महत्वपूर्ण जो बात है,
चिकित्सक वो नहीं है जिसको जब तुम बीमारी दिखाने जाओ तो वो तुम्हारी बीमारी देखे, वो घटिया चिकित्सक है। चिकित्सक वो है जिसको जब तुम अपनी बीमारी दिखाने जाओ तो तुम तो कह रहे हो कि तुम बीमार हो पर वो तुम में स्वास्थ्य देखे। वही चिकित्सक है। इसी के समकक्ष अब साधु को समझना। तुम साधु के सामने खड़े हो, तुम तो अपनी समस्याएं लेकर के आए हो, तुम पूरा संसार लेकर के आए हो। वो संसार को देख ही नहीं रहा, अभी भी उसको नहीं दिख रहा। तुम दावा कर रहे हो अपने विषय में कि मेरा संसार और इस संसार की ये सब समस्याएं। वो मुस्कुरा भर रहा है क्योंकि यकीन जानो तुम जो कुछ कह रहे हो वो वास्तव में उसको नहीं दिख रहा है। तुम कह रहे हो मैं परेशान हूं, वो देख रहा है तुम परमात्मा हो। वही साधु है। चिकित्सक वो नहीं है जो तुम्हें बीमार देखे, चिकित्सक वो है जो तुम्हें जब भी तुम्हें देखे तो तुम में स्वास्थ्य देखे। साधु वो नहीं है जो तुम में देखे तुम्हें और कहे ये संसारी आ गया। साधु वो है जो तुम्हें देखे और कहे सत्य ही है सामने। बात समझ रहे हो? तुम अपनी नजर से साधु को तोलते हो ना। तुम साधु के सामने जाओगे, उसके सामने बैठे हुए कहोगे महाराज सर देखिए मेरी ये समस्याएं हैं ये है, और वो चुपचाप बैठा हुआ ध्यान से बातें सुन रहा है तुम्हारी। तुम्हें लग रहा है उसे इसको समझ में आ रहा होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। तुम जो कुछ कह रहे हो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तुम जिस भाषा में बात कर रहे हो वो भाषा वो भूल चुका कब की, अब उसको याद ही नहीं है। तुम कह रहे हो देखिए पत्नी है, देखिए बच्चा है, बच्चे की जिम्मेदारियां हैं, और ये शब्द उसके व्याकरण से बाहर। जिम्मेदारी इसका अर्थ क्या होता था? अब वो सर खुजा रहा है जिम्मेदारी का, उसको अर्थ याद ही नहीं आ रहा। वो जिम्मेदारियां कब की छोड़ आया पीछे। बैठा मुस्कुरा रहा है, ठीक है कुछ अनाप शनाप बक रहा है, बक ले बको। उसको वास्तव में नहीं समझ, तुम समझो बात को, उसे कैसे समझ में आएगा? वो अछूता है उस सब से जो तुम्हें पकड़ के रखे हुए है, वो भूल गया। हां उसका स्वास्थ्य संक्रामक है। तुम ठीक इसलिए नहीं होते कि वो तुम्हारी बीमारी हर लेता है, तुम ठीक इसलिए हो जाते हो क्योंकि जब उसके पास बैठे होते हो तो तुम्हें तुम्हारे स्वास्थ्य की याद आ जाती है। बीमारी हरने का उसके पास कोई तरीका ही नहीं है। तुम उससे कहोगे महाराज मेरी बीमारी हर लीजिए, वो कहेगा क्या हर लूं? तुम कहोगे बीमारी, वो बोलेगा बीमारी ये होती क्या है? अब उसके आसपास फटकती नहीं बीमारी तो उसे कैसे पता क्या है बीमारी? से कैसे पता क्या है बीमारी? कोई तुम्हारा दोस्त हो पगला गया हो, वो तुमसे आकर के कहे कि मुझे पुकचुआ ने काट लिया है और पुकचुआ का जहर मुझे लगे जा रहा है, ठीक है? अब पुकचुआ है क्या? कुछ है ही नहीं। ये कल्पना में आके तुम्हारे सामने खड़े हो गए, देखो ये देखो यहां पुकचुआ ने काटा है और जहर लगा जा रहा है। न पुकचुआ है न किसी ने काटा है, ये साहब पगलाए हुए हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम सुन सकते हो इनको ध्यान से और शांत मौन बैठे हो, वो थोड़ी देर में भूल जाएंगे पुकचुआ, स्वस्थ होके चल देंगे। मन का फितूर था, उतर गया पुकचुआ। ऐसे ऐसे होती है औषधि, ये उपचार है। मौन, मौन के अलावा क्या उपचार है? साधु का जो आंतरिक मौन होता है वो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव की याद दिला देता है। अब हां ये जरूर है कि तुम बहुत कुछ बोल रहे हो, पगलाए हुए हो, तो तुमको यूं ही बहलाए रखने के लिए वो भी कुछ बोले, हां हां बिल्कुल ठीक बोला, हां हां नहीं बड़े दुखी हो तुम, और बताओ और क्या करें तुम्हारे लिए।
कुछ कर सकते हैं। कल एक जगह गया हुआ था तो रात का खाना था उनके यहाँ पे, तो उनकी माता जी एक बार यहाँ आ चुकी हैं, तो वहाँ ऐसे ही कुछ बातचीत चलने लगी, तो हो रहा था ये सब ठार। तो पति पत्नी दोनों बड़े ध्यान से सुनने लग गए, माता जी के कान में उधर दूसरे कमरे में कुछ आवाज़ पहुँची कि कुछ ज्ञान चर्चा हो रही है, कुछ काम की बात हो रही है। आई वहाँ से कुछ देर सुनती रही, बोलती घुटने में बहुत दर्द होता है, इसकी कोई दवा है? मैंने कहा मन के दर्द की दवा है, अब उसी की बात हो रही है? नहीं वो सब नहीं चाहिए है, घुटने में गठिया उसका कुछ हो तो बताओ। मैं नहीं है, एक आध मिनट रुक के चली गई। तुम जो उपचार खोजने आए हो वो वास्तव में साधु के पास है ही नहीं, उसके पास तो मौन है। हाँ आप मुझे उनको थोड़ा बहला फुसला के रखना, तो मैं कहता हाँ बैठी बैठी वही हम लोग गठिया ही डिस्कस कर रहे हैं। अब वो बैठती तो इस लालच में कि घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, मिल उनको कुछ और जाता तो ये करा जा सकता था, खैर हुआ नहीं, देव की बात है, समझ रहे हो। सारी बीमारियां नकली हैं, जो नकली है उसी का नाम बीमारी है। नकली में उलझना माने बीमार होना, साधु वो जो नकली से निजात पा चुका है, इसीलिए वो तुम्हें कोई असली उपचार देता नहीं, क्योंकि नकली बीमारी का कोई असली उपचार होता नहीं। हर बीमारी नकली है, तुम्हारा हर दुख नकली है, जो नकली है उसी का नाम तो दुख है। तुम्हारे पास कोई असली दुख होता तो उसका कोई असली उपचार भी होता। इसीलिए जब दुख सामने दिखे तो भावुक मत हो जाया करो, नकली है, उससे क्या तुम सहानुभूति दिखा रहे हो, क्या संवेदना दिखा रहे हो। करुणा बिल्कुल दूसरी बात है, करुणा का अर्थ है यही जानना कि बच्चा नकली में फंसा हुआ है। करुणा यह नहीं है कि तुमने नकली दुख को असली समझ लिया और उसमें शामिल भी हो गए कि अरे अरे क्यों रो रही है, आजा 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 तो थपकी दूं। गजब हो गया, थपकी दे करके तुम और उसके नकली दुख को असली बना रहे हो, समझते क्यों नहीं बात को। कोई अपने नकली दुख में खूब रोए जा रहा है और तुम जाके सहानुभूति प्रकट कर दो तो तुमने पता है क्या किया, क्या किया, नकली को और असली बना दिया, जो था ही नहीं उसको मान्यता दे दी। करुणा बिल्कुल अलग बात है, करुणा का अर्थ है तो नकली पर उलझा हुआ है ये उसमें। बिल्कुल, तो सर जो सत्य दिखा वो 2 मिनट के लिए क्यों? क्योंकि 2 मिनट से आगे तुमने पाबंदी लगाई हुई है। हमने कहा ना तुम्हारी स्वेच्छा से बड़ी ताकत कोई दूसरी है नहीं, तुमने 2 मिनट की सीमा तय की हुई है तो 2 मिनट के बाद वो हट जाता है। तुमने खुद कह रखा है कि आना प्रभु मेरे घर आना, 2 मिनट को आना, तो आते हैं 2 मिनट को। तुम और क्यों गाते हो राम मेरे घर पधारो दशहरे और दिवाली पे? वो तुम ये कह रहे हो कि अन्यथा मत आ जाना, बुलाया नहीं है। तुमने त्योहार क्यों निर्धारित किए हैं?
कि इस इज देन एंट्री अलाउड है, इनकी अतिरिक्त आए तो जूता और पाओगे। देखा नहीं है तुम क्या करते हो, तुम तो रात में मंदिर तक के कपाट बंद कर देते हो कि अभी हमारा कुछ और समय शुरू हो रहा है, दरवाजा बंद करो, झांका ताकि मत करना कि बाहर निकल के झांकने पहुंच गए। तो जितनी तुम्हारी रजामंदी है उतना वो तुमको मिलते हैं। तुमने तय कर रखा है सुबह आरती करोगे शाम आरती करोगे तो मिल जाते हैं सुबह शाम। जितनी तुम्हारी रजामंदी होगी उतना मिल जाएगा, जितना बड़ा तुम्हारा पात्र होगा उतना इकट्ठा कर लोगे। वहां तो अनंतता है, तुम फैलते जाओ, जो तुम्हें मिल रहा है वो फैलता जाएगा। अभी संवाद में एक जगह गया तो वहां पे एक आया, बोला सर अब थर्ड ईयर चलने लग गया, सेकेंड सेमेस्टर से आपको सुन रहा हूं, और कोई संवाद ऐसा नहीं होता जिसमें मैं आता हूं और मैं सवाल ना पूछता हूं, मैं सवाल जरूर पूछता हूं। बोलता है सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? बोलता है सर आपके उत्तर बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, बिल्कुल सटीक होते जा रहे हैं। मैंने कहा पगलू तुम्हारी सुनने की ताकत बढ़ती जा रही है, तुम्हारे सवाल और सारगर्भित होते जा रहे हैं, तुम जो पूछ रहे हो बदलता जा रहा है, तुम जो मांग रहे हो वो और निर्मल होता जा रहा है। मैं तो वही हूं, यहां क्या बदला? कुछ नहीं, तुम्हारा कटोरा बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे तुम्हारे सवाल साफ और पैने होते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें और मिलता जाएगा। तुम पूछो तो सही, तुम मांगो तो सही, तुम अपनी रजामंदी तो दो, तुम सुनने के लिए तैयार कहां हो? बात समझ में आ रही है? जिस दिन तुम उपस्थित होगे, जिस दिन तुम तैयार होगे, उस दिन देखो उस दिन बात ही दूसरी होगी। तुम्हारे सवाल में, तुम्हारी पुकार में जब जान होगी तो फिर जब उत्तर भी आएगा तो वो ऐसा आएगा कि नया, अनूठा, जो तुमने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। और तुम कहोगे अरे आज सर ने नई बात बोली। सर ने नई बात नहीं बोल दी है, आज तुम तैयार हो, आज तुम प्रस्तुत हो, इसीलिए उस नई बात को आने का मौका मिला। वो नई बात पहले भी बोली जा सकती थी पर कैसे बोलते? तुम तैयार कहां थे सुनने के लिए? तुम्हें समझ में ही नहीं आती। तुम्हारी रजामंदी, तुम्हारी अपनी तैयारी, तुम्हारी स्वेच्छा बड़े महत्व की है।